क्या डम होते हैं बताइए। अभी तो एक ही बजा, एक ही बजा, बस नींद भी हो गई, तवज्जो है ना मेरी तरफ। एक अभी दो भी नहीं बजे, दो। चलो चलो थोड़ा सा और बोलो, सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? अल्लाह आपको सलामत रखे। एक शख्स ऐसे थे बगदाद में, तुम लोग बड़ी बड़ी काम की बात बता रहे हो, बड़ी काम की। ये जिनके बच्चे हैं ना, या हम जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको राजी करने का एक तरीका मैं बताऊं। किसी की गोद में बच्चा हो तुम उससे प्यार करने लगो, खेलने लगो, मोहब्बत से बोलने लगो, तो उसके माँ बाप खुद ब खुद राजी हो जाते, नहीं हो जाते? बोलो बोलो, हो जाते नहीं? वो अच्छा लगने लगता नहीं लगता? रास्ते में ना बहुत सारे बच्चे थे, सहाबा भी थे, नबी ने एक बच्चे को उठाया, बड़ा प्यार किया, बड़ा प्यार किया। सहाबा पूछ लिया करते थे कोई बात, आका बच्चे तो और भी थे, इनको किसी को प्यार क्यों नहीं किया? बोले ये मेरे हुसैन का दिल बहलाता है, मेरे हुसैन के साथ में खेलता, इसलिए मुझे प्यारा लगता है। तो नबी के बच्चों की महफिल है, किसकी महफिल है बोलो? अगर किसी की औलाद ना हो ना, आज तवज्जो रखो बेटा, अगर औलाद ना हो तो औलाद मांग लेना। अगर कोई लाइलाज बीमारी में फंसा हुआ हो तो आज नबी के बच्चों का सदका मांग लेना। समझ में आ रही? अगर किसी को कोई भी परेशानी हो मांग के देखो, इंशाल्लाह मांगने का ढंग अपना अलग अलग होता, इंशाल्लाह मेरा यकीन है जरूर मिलेगा। क्योंकि गौसे पाक खुद कहते हैं, अगर मेरा चाहने वाला ना मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, और वहां से अगर पुकारे तो उसकी मदद के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। उसकी मदद के लिए क्या बोलो? मैं पहुंच जाता। अब सुनो, बगदाद में एक साहब ऐसे थे जिनका बेटा अपाहिज था, समझे? जिनका परेशान मत, वो आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, समझे? हाँ। अब बेचारे ईशा के बाद से बैठे तो, और खाने पीने वाले आदमी हैं तो अब कुछ ना कुछ तो फारिग होके आएंगे, नहीं आएंगे? तवज्जो रखो। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मौना लोगों का मसाना मजबूत होता है। तवज्जो और दुआ करो, तवज्जो रखो। ये लोग भी ना जब मैट पे आ जाते हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ते हैं, बहुत प्यारा। आज सोच रहे होंगे यार सही है, मगर दिल से दुआएं भी दे रहा हूँ, दिल से दुआएं भी दे रहा हूँ। हाँ तवज्जो रखो। उनका बेटा पाहिस्ता हाथों से बेकार, ऐसे ऐसे कप कप आता था, बड़ा इलाज कराया ठीक नहीं हुआ। किसी ने कह दिया ना, बड़े पीर साहब का हाथ रखवा दो। किसका हाथ रखवा दो बोले प्यारे? अच्छा ये कमेटी वाले कहाँ चले गए? मुझे दिखाई नहीं, सो तो नहीं गए? कहाँ गए ये बच्चे? ओवैस कहाँ? अच्छा अच्छा, पीछे बैठो, मूंगफली खा रहे क्या? सही है, हाथ ऐसे बांधे पड़े हो ना। मैंने जलसों में कुछ लड़के मूंगफली खाते हैं, मूंगफली लेकर इसलिए। तवज्जो रखो। उसका बेटा पाइस्ता, किसी ने कहा बड़े पीर साहब का हाथ रखवा दो। तो उन्होंने सोचा कैसे कहूं यार, हिम्मत नहीं पड़ रही। बोले चलो दावत करता हूं, बड़े पीर साहब आएंगे ही, वो तो घर के हालात देख लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। सारे मौलाना और जितने पीर थे सबकी दावत कर दी। बड़े पीर की जब दावत करने गए, नियत ये थी खाना नहीं खिलाना, बाद में पहले बेटा ठीक हो जाए, नियत ये थी। मगर बड़े पीर साहब दिल के हालात जाना करते थे, जैसे पूजा सरकार आपकी दावत है, चेहरे को देखा पहचान गए बड़े पीर साहब। कहने लगे जो तुम दावत करने आए हो उसके लिए मैं आ जाऊंगा। अब बड़े खुश बच्चे को संदूक में रख दिया और संदूक बंद करके एक तरफ रख दिया। बताया बड़े पीर सब देख लेते, सब लोग पहुंच गए, खाना तैयार था। कुछ लोग थोड़े भूख के कच्चे होते, वो सोच रहे थे यार जल्दी से बड़े पीर आए, खाना शुरू, अब तो रुका नहीं जा रहा, कोरमा छलक रहा।
समझे, जैसे तुम भी वली में जाते हो ना, बड़े मुर्गे की टांगे तोड़ते हो तुम भी। और अब तो ना खड़े होके खाना चल गया मैरिज हॉल में, जो चलता ना तो 10 तरीके का चिकन बना हुआ होता, ग्रीन चिकन, रेड चिकन, और कौन कौन से बोलो, तुम लोग ज्यादा जानते हो ये सारे चिकन, व्हाइट चिकन समझे, और चंगेजी और अफगानी और कौन कौन से काली मिर्च, ये सब लगे हुए, उधर दाल लगी पड़ी, उधर सॉल्ट बताशे, ये सारी चीजें। तो नियत तो खराब पहले से ही है। उसने चंगेजी को देखा, भरली पलेट, एक मुंह मारा, उधर नजर पड़ गई पलेट, तो सरकादी वो वाला ले लिया, उधर सरकादी वो वाला ले लिया। एक आदमी 10 आदमियों का खाना खराब करता है, बोलो करता नहीं करता। तो ये फजूल खर्ची, ये क्या है बोलो, फजूल खर्ची, ऐसा काम मत करना। अच्छा इसका ध्यान रखना। अब सुनो सुनो, बड़े पीर साहब के इंतजार में थे, बड़े पीर साहब ने अपने बेटे को साथ में ले लिया, बेटा चलो दावत में जी अब बाजार। और एक खादिम को, जिस खादिम का नाम शागिर्द भी है खलीफा भी है, जिनका नाम अली बिन हयती, काली चलो चलो। अब गए तीनों, सब लोग खड़े हो गए, दस्तरखान लगा था, किसी के पेट में चूहे कूद रहे थे, चलो यार अब तो ठीक है जल्दी हो गया काम। अब बड़े पीर साहब पहुंचे, दस्तरखान पे बैठे, सब लोग बैठे हैं। अब बड़े पीर साहब शुरू नहीं करते, और जब तक बड़े पीर साहब शुरू ना करें तो किसी की हिम्मत क्या, कोई नहीं कर सकता। अब कुछ लोग बड़े पीर को देखे, कुछ डोंगे को देखो, पलेटे इधर आधर को सरकार है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि ये थे खद्दू, तो ये डोंगे और पलेट देख रहे थे तुम्हारी तरह। और बड़े पीर साहब आंखें बंद करके उसके हालात देख रहे थे। जब आंखें खोली, कहा बेटा अली बिन हयती, कहा जी हुजूर, देखो पीछे कोने में एक संदूक रखा, वो उठा के लाओ। अब सारे बोले यार फिर इतनी देर लगेगी, पता नहीं क्या बात है यार, सारा खाना ठंडा हो रहा है, कुछ लोग गर्मी में मरे जा रहे हैं, कह रहे पंखा बंद कर दो, खाना ठंडा ना हो जाए, खाने की बड़ी फिक्र है, खुद गर्म हुआ पड़ा। अब हुआ ये, कहा बेटा लाओ उठा के संदूक, संदूक उठा के लाके यहां रखो, अपने बेटे से अब्दुल रज्जाक संदूक उठाओ, संदूक को खोलो। और जैसे ही संदूक को खोला, तो संदूक के अंदर उसका भाई बैठा, बै बेटा बैठा था, जिसे बोला नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, पैदाइशी अपाहिद था। बड़े पीर उठे और संदूक के पास गए, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, बाल पकड़े, का उठ जा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तुझे शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। जब इतना कहा, सर पे हाथ रखा, बच्चा उठ के बैठ जाता है, जैसे बच्चा उठ के बैठा, संदूक से निकला, चलने लगा, सारे लोग खुश हो गए, घर वाले खुश हो गए, जितने खाने वाले थे खाने पे बैठ गए, मगर बड़े पीर साहब खाने पे नहीं बैठे। बेटे से कहा बेटा चलो, अली बिन हयती चलो, वो कदमों पे गिर गया घर वाला, कहने लगा सरकार मैंने खाने की दावत की थी, खाना खा लीजिए। बड़े पीर बोले गलत है गलत, तूने खाने की दावत नहीं की थी, बहाना दावत का था, जब तू मेरे ही आया था तेरी नियत ये थी, बड़े पीर मेरे बेटे को ठीक कर दे, ठीक कराना थी, इसकी दावत दी थी, मैंने इस दावत को कबूल कर दिया था, जब खाने की दावत करेगा तो खाना खाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर दिल के हालात जानते, उनके तुम मेहमान हो, महफिल में बैठे हो, प्यारो मैं देखूं या न देखूं, मगर गौसे पाक जरूर देख रहे, मुझे पता चले या न चले, मगर बड़े पीर साहब को जरूर पता चला है। तुमने सुना ही होगा 12 साल की डूबी हुई कश्ती बड़े पीर ने निकाल दी थी, कितनी करामत। एक साहब बड़े पीर की ना करामत देखने आए,